के केंद्रीय मंत्री हैं, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं, नाम है प्रताप राव जाधव। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है जाधव। दावा कर रहे हैं उद्धव गुट के सांसद उनके संपर्क में हैं। जिस दिन उद्धव गुट की पार्टी के 5 से 6 सांसद खुलकर सामने आ जाएंगे, उन्हें शिंदे गुट अपने साथ ले लेगा। हमारे साथ में प्रताप राव जाधव साहब हैं, शिवसेना के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं मोदी सरकार में। जाधव साहब, आपने कार्यभार संभाल लिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी कार्यभार संभालने पे, लक्ष्य क्या रहेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मंत्री के नाते पदभार स्वीकारा और आयुष का भी मैंने मंत्री के नाते वहाँ पर पदभार स्वीकारा है हमारे को। और ये बारी से भी जो पोर्टफोलियो दिया है तो अच्छे पोर्टफोलियो है। मोदी जी ने क्या कहा था आपसे? मोदी जी ने यही बोला था कि आज आपको पूरे देश में काम करने का मौका मिला है, तो ज़मीन पे पैर रख के आप काम करो, लोगों में जाओ, घुलो मिलो और पूरी लगन से अपने जो भी अपने को काम ड्यूटी मिलेंगी, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका काम करो। आखिरी सवाल ये है कि आपके शिवसेना से कुछ उद्धव ठाकरे के संपर्क में ऐसी भी चर्चा हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ? ये देखिए, उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं, उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल, उधर वाले हमारे पास संपर्क में हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि संजय राउत रोज सवेरे आके कहता है कि ये सरकार अस्थिर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 8 दिन में गिरेंगी 15, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनके अशांत सांसद है, विधायक है, उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में से कितने अशांत हैं उनके? 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है, लेकिन आपको मालूम है कि संख्या क्या दे सकते हैं? संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेगी। 5 से 6 अशांत है, इधर आना चाहिए। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं? हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के, प्रताप राव जाधव साहब हैं बताते हुए कि क्या आगे का रोड मैप है। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, संघ प्रमुख का जो विचार है वो कह रहे हैं मार्गदर्शक है उनका विचार सर माथे पे। कैमरामैन अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।